हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ शाम के नाश्ते के लिए एक बेहतरीन सा स्नैक्स, हमारा मिनी समोसा। ये देखने में जितना क्रिस्पी है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। राइस में छोटी चटनी है रेड वाली, वो मैंने प्याज से बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू मीडियम साइज़ के, मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले से ही। आलूओं को मैश कर लेंगे हम। अब इसमें जाएगा हमारा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रेड पेपर। इसमें डाला है मैंने कसूरी मेथी, इससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है टेस्ट। रेड चिली फ्लेक्स, ग्रीन कटा हुआ हरी मिर्च, एक छोटा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैंने मैश कर लिया है अब हम इसे ढककर साइड पर रख देंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए। अब इसके लिए हमें आटा लगाने के लिए दो बाउल मैदा, इसमें 1/4 टेबल स्पून, इसमें 4 चम्मच घी डालिए। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें घी का यूज़ किया है। अब आप इसमें डालिए थोड़ा सा अजवाइन, इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा। अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर घी डाल रहे हैं तो घी की इसमें गुठलियां ना बने, इससे अच्छे से इसे मैश करेंगे, क्योंकि हमारा घी थोड़ी देर में जम जाता है। हाथ से हम इसे मुट्ठी में दबा के देखेंगे, ये सॉलिड हो जाता है तो हमारा मिक्सचर मिल चुका है। इसे पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे। हमारा डो नरम ही होना चाहिए। अब इस पर हम ज़रा सा ऑयल या घी लगाकर रख देंगे, ढककर 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। देखिए, मेरे डो को 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से हाथ से मैश कर लूँगी। अब हम इसे दो भागों में बांट लेंगे। बाकी का आटा हम ढककर रख देंगे। इसमें से हम एक छोटी लोई बनाएंगे।
फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, मुझे आगे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो अच्छी बनी है या ख़राब बनी है? प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसे अच्छे से हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और साइड से एक्स्ट्रा हटा देंगे, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें हम हमने आलू वाला मिक्सचर जो तैयार किया था उसका छोटी बॉल बनाकर वो रखेंगे। साइड पर इसके हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे जिससे ये फटे नहीं, अच्छे से चिपक जाए। और इसके कॉर्नर पकड़कर मोड़ना शुरू करेंगे, देखिए ये कितने अच्छे से चिपक जाता है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है हमारा मिनी समोसा स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक तैयार कर लिया है, इसी तरह हम अपने बाकी के समोसे तैयार कर लेंगे। एक बड़ी रोटी बेलकर आप उसके बराबर भाग कर इकट्ठे भी इनको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह मैंने तैयार कर लिए हैं, ऐसे ही आप इन्हें सबको तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, कॉर्नर दबाना ना भूलें, क्योंकि ये नहीं तो सारा इसमें जो हमने आलू का स्टफ भरा है वो सब निकल जाएगा। ये देखिए सब तैयार हो चुके हैं, अब शुरू करेंगे। मैं ऑयल ले लिया है, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, आइए हम तलते हैं। शाम के नाश्ते के लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स है, ये लाइट भी है और टेस्टी भी है, बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए सारे समोसे मेरे तैयार हो गए हैं बनकर, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैंने सारे तल लिए हैं, आप इनको किसी भी प्रकार की चटनी, सॉस या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस, ये मैंने आपको अभी तोड़ के दिखाया है कितना गरम गरम है एकदम, इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा भी है, आप भी खाइए अपने